आईपीसी और सीआरपीएफ और एविडेंस एक्ट बदलने की तैयारी। दरअसल संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। ये क्या इसमें बदलाव है, किस तरह के चेंजेस हैं उन पर? देखिए, कई चेंजेस सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं जो अपराध के कानून है। हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। भारत की आधी आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। दरअसल लोकसभा में महिला बिल पर कई घंटों की चर्चा के बाद 2/3 बहुमत के साथ बिल पास हुआ। 108वां संविधान संशोधन बिल 2008 का, एनडीए का बिल 108वां संविधान संशोधन बिल 2023 का। महाराष्ट्र में बाधा घंटे के अंदर कहीं पर औरंगजेब का पोस्टर तो कहीं पर औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस। पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर के तनाव है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। मनोहर, अभी जो ताजा तस्वीरें मिल रही हैं उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, घायलों से मिल रहे हैं, साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। ये मैं उसी ट्रैक पे मौजूद हूँ क्योंकि सुबह से लगातार मंत्रियों का आना जाना था, लेकिन अब हम यहाँ पर काफी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए। आंकड़े जारी होने के बाद किसने ये कहा कि 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़े 27.12%। ऐसे ये सब दर्द झेला, कैसे उससे निकली आप, हुआ क्या था? मैं अच्छी दिखती थी, मुझे अच्छी जगह काम मिल जाता था, तो वो सब वो खत्म करना चाहते थे, मेरा चेहरा खराब करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं हमारा खास शो, सबसे बड़ा मुकदमा। एपी सिंह जी का क्या वक्तव्य यही रहेगा कि मैं प्यार के साथ हूं, मोहब्बत के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि सीमा यहां रहे। प्यार, सच्चे प्यार के साथ हूँ, सच्ची मोहब्बत के साथ हूँ। पीएम मोदी बोले, मंच से ऐसे बोले कि फिर गरजे विपक्ष पर भी, और ये कहा कि कांग्रेस का पाप मध्य प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति है तो बिहार की राजनीति जैसा कि अभी हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने जो चर्चा किया वो बिल्कुल सही है। नमस्कार, इंडिया न्यूज के आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आखिर एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो लगन से भरपूर है, हालात बेहतर करने के लिए बेहिसाब जुनून से लबालब है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का जीवन खुशहाल और स्वाभिमान सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मयोद्धा बना हुआ है, उसकी अगुवाई में क्या बदला है?